जिला प्रशासन के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए गरिमा गृह बनाया जाएगा, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरिमा गृह की स्थापना के लिए शासन से आवेदन मांगे गए थे, जिसके लिए एक प्रस्ताव जिलाधिकारी की तरफ से भेजा गया है, जो कि 25 व्यक्तियों की क्षमता का गरिमा गृह होगा, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग रहेंगे। वहां का प्रबंधन भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ही देखेंगे। इसके अलावा व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे कि यह लोग आत्मनिर्भर बन सके और आजीविका कमाने के योग्य बन सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दे के इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए गरिमा गृह की स्थापना के लिए आवेदन मांगे गए थे। जिले से एक आवेदन सभी शर्तों को जो कि पूरी कर रहा था, उसको जिलाधिकारी महोदय की ओर से शासन को भेजा गया है। तो ये 25 व्यक्तियों की क्षमता का गरिमा गृह होगा, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग रहेंगे। वहाँ का प्रबंधन भी पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग ही देखेंगे और यहाँ पे इन लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ये लोग अपनी आजीविका कमाने के योग्य बन सकें। किस तरह के लोगों को प्रशिक्षण होंगे? तमाम ब्यूटिशियन का है, या जिस तरह की डिमांड होगी उस हिसाब से प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाई जाएगी। तो